चलिए आज नए टॉपिक हमारा है मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना, जो कि अध्याय एक में ही पढ़ता है। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको कुछ याद होना चाहिए, जैसे कि परमाणु भार, यानी जो तत्व तो उसमें आ जाएंगे तो परमाणु भार आपको याद रखना होगा। यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ पे कुछ तत्व का परमाणु भार लिखेंगे न्यूमेरिकल बताते समय, तो कम से कम उतना आप याद रखिएगा और अधिक से अधिक बुक से याद करने का प्रयास करिएगा। हम यहाँ पे आते हैं मूलानुपाती सूत्र याद करना, इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। इसमें प्रश्न में दिया रहेगा आपको परसेंटेज कि एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र याद कीजिए। तो कार्बनिक यौगिक का नाम नहीं दिया रहेगा, उसमें जो तत्व रहेंगे उसका नाम दिया रहेगा, कितना परसेंटेज है वह दिया रहेगा, उस आधार पर हमें मूलानुपाती सूत्र को याद करना है। तो एक हम उदाहरण लेते हैं, ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 70% प्रश्न आपका है, इसमें कार्बन दिया हुआ है 70.57, इसको बोलते हैं 5-7%, और हाइड्रोजन दिया है 5.93%, और ऑक्सीजन दिया है 23.5, ऑक्सीजन दिया है 23.50%। ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन 70.57%, हाइड्रोजन 5.93% और ऑक्सीजन है 23.50%, यानी 50 बोलते हैं 50%। अब इससे क्या है, हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से मूलानुपाती सूत्र को हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप है आप कालम बनाएंगे, एकदम बेसिक्स बता रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे तत्व, ठीक है, एक जगह भी आप एक कालम लिखेंगे तत्व, फिर यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज मतलब कितना प्रतिशत है, फिर यहाँ पर लिखेंगे परमाणु भार, जो परमाणु भार है उसको, फिर इसके बाद मूल अनुपात निकालेंगे। मूल अनुपात का मतलब परसेंटेज में परमाणु भार से भाग देंगे मूल अनुपात निकलेगा, ठीक। इसके बाद हमें सरल मूल अनुपात, सरल मूल अनुपात इतना कालम आपको हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा जिसमें आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले जो तत्व हैं उसको लिख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज आप इसमें लिखेंगे 70.57, यह हो जाएगा 5.93, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 23.50, ठीक है। देखिए कार्बन का यहाँ पे परमाणु भार नहीं दिया हुआ है, हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। जितना क्वेश्चन में आपको मोस्टली आपको परसेंटेज दिया रहेगा, अगर परसेंटेज दिया है तो परमाणु भार भी दिया रहता है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप याद रखिएगा। कार्बन का जो होता है 12 होता है, जो हाइड्रोजन का होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मूल अनुपात निकालने के लिए परसेंटेज में आप परमाणु भार से भाग देंगे, तो भाग देंगे कैसे, यहाँ 70.57 बटे 12 कर देंगे, फिर यहाँ पे 5.93 भागे 1 करेंगे, फिर यहाँ पर 23.50 भागे करेंगे 16, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से डिवाइड हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, ये आपका आ जाएगा 5.88, ठीक, और ये इसको करेंगे इस भाग को वहीं आ जाएगा 5.93, और इसको 16 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1.47, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला कालम बनाएंगे तत्व, तो दूसरा परसेंटेज, फिर परमाणु भार, और यहाँ पे मूल अनुपात एक परसेंटेज में परमाणु भार से भाग देंगे, फिर इसके बाद सरल मूल अनुपात,
यहाँ पे हमने परसेंटेज लिख लिया, यहाँ पर भारू भाग लिख लिया और यहाँ पे परसेंटेज हमने परमाणु भाग से भाग दे दिया कितना है। अब यहाँ पे सरल मोल अनुपात निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि जो इसमें से छोटा है उसको सबसे भाग देना, सब में भाग देना, जो सबसे छोटा है उससे सब में भाग देना। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 1.4। तो अब इसमें सब में भाग दीजिए, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो भाग देंगे तो 5.88 डिवाइड करेंगे 1/4 फिर इसके बाद इसमें देंगे 5.93 भागे 1.47, फिर इसी में दे देंगे 1.47 भागे 1.47। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, 4, 1, यानी इसका 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका 1 है। अगर देखिए दशमलव में थोड़ा पॉइंट, जैसे जैसे मान लेते हैं कि 5.9 आ गया तो उसको हम 6 मान सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आ गया 5.23 आ गया तो हम उसको 5 भी मान सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपका सरल मूल अनुपात कितना आ जाएगा, 4, 4, 1। अब करना क्या है मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए, यहाँ पर लिखेंगे नीचे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे तत्वों को आप लिख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके सीधे में आप लिखेंगे जितना सरल मूल अनुपात आएगा वह नंबर इसके नीचे आप लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 4, और 1 के लिए आप लिखिए चाहे न लिखिए तो C4H4O, ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। तो ऐसे आपको करना है हर प्रश्न में, आपके प्रश्न में दिया रहेगा कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन ये वैल्यू बदल सकता है, कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। तो ये सारी विधि आपको हर में करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। यदि आपको परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो द्रव्यमान दिया रहेगा, तो द्रव्यमान के हिसाब से आप परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ पहला प्रश्न। इसी तरह हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा यौगिक है जिसमें कॉपर है CU, इसका जो परसेंटेज है वह दिया है 25.46। इसके बाद सल्फर है, सल्फर का जो परसेंटेज है 12.82, और उसी तरह से फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो दिया हुआ है वह है 25.65, इसको 6-5 बोलते हैं। फिर इसके बाद है जल H2O, H2O आपका है 36.07, ठीक है। ये आपका दिया है, क्या देगा, एक यौगिक है जिसमें कॉपर 25.46%, सल्फर जो है 12.82%, ऑक्सीजन जो है 25.65%, और जो H2O यानी जल है वह 36.07 है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, तो करेंगे क्या, सारी प्रक्रिया पहले जैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो तत्व है उसको आप बदल देंगे, क्या क्या दिया है, कॉपर दिया है, सल्फर दिया, ऑक्सीजन दिया हुआ है और जल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखना शुरू करेंगे पहले जैसा, लिखेंगे कॉपर सल्फर ऑक्सीजन, ये आगे पीछे हो सकता है कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। H2O अब यहाँ पे इसका परसेंटेज पूरा लिख देंगे, परसेंटेज है इसका 25.46, इसका जो है 12.82, ऑक्सीजन का जो है 25.65, और जो H2O का है वह 36.07% है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कॉपर हो गया, सल्फर, ऑक्सीजन, H2O, अब इसका हमें परमाणु भार लिखना है। तो परमाणु भार लिखने के लिए देखिए जो कॉपर का होता है वह 63.5 होता है, इसको आप याद रख लीजिए, कॉपर का जो होता है परमाणु भार वह 63.5 होता है, सल्फर का जो होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, जल का जो होता है 18। ये हमारा दो काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज में
परमाणु भार से भाग है। एक तो आप दे लीजिए 25.46 / 63.5 कर देंगे, फिर यह हो गया 12.82 / 32 कर देंगे, फिर इसको 25.65 / 16 करेंगे, फिर यह 36.07 / 18 करेंगे। ठीक, अब जब भाग देंगे इसका तो ये आएगा 0.40, इसका जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4, फिर इसका भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.60, फिर इसका जब करेंगे ये आ जाएगा आपका 2.0 कुछ आएगा, तो इसको हम 2 ही मान लेंगे। हम बताए थे कि 10 में थोड़ा मोड़ा पॉइंट इधर उधर होता है, उसको पूर्णांक मान। अब इसमें जो सबसे छोटा है उससे भाग दो सब में, सबसे छोटा 0.40 है यानी सब में डिवाइड करिए, 0.40 / 0.40 एक आ गया, यहाँ पे करेंगे 0.40 डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे 1.60 / 0.40, फिर उसी तरह यहाँ पे करेंगे 2.00 / 0.40, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब यही नंबर रखना है इनके सामने। कॉपर कितना है 1, तो Cu। सल्फर कितना है 1, तो यस। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ऑक्सीजन के सीध भी देख लीजिए 4, तो यस 4। H2O कितना आ रहा है 5, यहाँ पर डार्ट कर देंगे 5H2O, यानी ये आपका कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। यही इसका मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र जब भी निकालना होगा तो आपको ये सारा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मूलानुपाती सूत्र को निकाल सकते हैं। किसी भी प्रश्न में दिया है, जैसे आपके लिए एक होमवर्क है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप घर पर ट्राई करिएगा। चलिए, एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन आपका है 31.9%, हाइड्रोजन है 6.8% और जो नाइट्रोजन है वह है 18.5%। ठीक, फिर ऑक्सीजन है 42.8% है, यहाँ चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इससे आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वही करेंगे काम, बता दे रहे हैं तत्व लिखेंगे, फिर उसका परसेंटेज, फिर परमाणु भार, फिर मूल अनुपात निकालेंगे, फिर सरल मूल अनुपात निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें, पिछले में बता चुके हैं, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का नया है 14 और ऑक्सीजन का पहले जैसे 16। ये आपको काम करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे जो आएगा, सबसे जो छोटा नंबर आएगा उससे फिर डिवाइड करेंगे, पूर्णांक बनाएंगे, पूर्णांक बनाने के बाद सबके जगह पर जितना जितना वैल्यू आएगा सरल मूल अनुपात का वह रख देंगे। तो आप इतना ट्राई करिएगा, अपना आंसर मिला लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वह आ जाएगा C2H5NO2। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए मूलानुपाती सूत्र में बस इतना ही। मेरे क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।